हरित क्रांति ने पंजाब में तेज विकास से लेकर ठहराव और अब उससे उपजे एक बड़े संकट तक का चक्र पूरा कर लिया है। राज्य अब भूजल संकट और खेती से मुनाफे में गिरावट के साथ साथ पराली संकट का भी सामना कर रहा है। दरअसल पिछले 6 दशक में पंजाब में धान की खेती का दायरा तेजी से बढ़ा है, करीब 8 गुना बढ़ा है। पंजाब में पराली की समस्या की जड़ यही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब देश भूख का शिकार था तब धान गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों और सरकारों की तारीफ हुई, और जब धान एक नए संकट के साथ सामने आ रहा है तो सारी गलतियों का जिम्मेदार बेचारे किसानों को ठहराया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। पंजाब में वहां की सरकारों ने कुल उत्पादन के 80% से लेकर 97% तक धान की MSP पर खरीद की और दूसरी फसलों की घोर उपेक्षा की। इससे किसान दूसरी फसलें छोड़कर धान की तरफ शिफ्ट होते गए। पंजाब का किसान वही करता रहा जो किसी वैज्ञानिकों ने बताया, वो उधर जाता रहा जिधर सरकार ले गई। जब तक हरित क्रांति के फायदे दिखाई दे रहे थे तब तक तो सरकारों ने अपनी पीठ थपथपाई, किसी वैज्ञानिकों ने अपना प्रमोशन कराया और सरकारी खिताब हासिल किए। लेकिन जब कमियां सामने आने लगीं तो समाधान खोजने की जगह किसानों को ही मारा जाने लगा, उन पर FIR की जाने लगी और अब बात यहां तक पहुंच गई कि उनकी ज़मीन तक जब्त कर ली जाए। क्यों न उन वैज्ञानिकों और तत्कालीन नेताओं पर FIR की जाए और उनकी ज़मीनें जब्त की जाएँ जो इसके असली गुनाहगार हैं, जो इस समस्या की जड़ हैं। कभी अपना देश अमेरिका के सामने अनाज के लिए गिड़गिड़ा रहा था, तब धान गेहूं लगाकर देश का पेट भरने वाले किसानों के खिलाफ यहां तक बात पहुंच गई कि उनकी ज़मीन 1 साल के लिए छीन ली जाए। ऐसी बात की जा रही है और ऐसी बात भी सुप्रीम कोर्ट में उठ रही है, वो भी सरकार के रिकमेंडेशन के बाद। ऐसी नौबत शायद राज्य सरकार के फेलियर की वजह से आई, क्योंकि वो पराली का मैनेजमेंट करने में फेल रही और इसका दंड अब किसानों को देने की कोशिश की जा रही है। आखिर इस पूरे मामले का दंड सिर्फ किसानों को ही क्यों मिले? हमेशा किसान ही दंड का पात्र क्यों बनता है? 60 के दशक से अब तक सरकारों ने किसानों को धान की MSP का एडिक्ट बना दिया है, दूसरी फसलें छुड़वा दी हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दंड का भागी अकेले किसान ही क्यों बने? सरकार को इसके लिए क्यों न दंडित किया जाए कि वो पराली मैनेजमेंट का सिस्टम बनाने में बुरी तरह से फेल रही है? किसान तक ने पंजाब के कृषि विभाग के एक अधिकारी से एक ऐसा आंकड़ा प्राप्त किया जो पराली संकट पे, जो वर्तमान पराली संकट है उस पर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए काफ़ी है। राज्य सरकार का यह दस्तावेज बता रहा है कि जब हरित क्रांति की शुरुआत हो रही थी उससे पहले 1960-61 में जो पंजाब में धान की खेती सिर्फ 4.8% एरिया में होती थी और यहाँ मक्का, बाजरा, दालें, तिलहन, गन्ना, कॉटन और दूसरी फसलों का बोलबाला था। यानी पंजाब में धान की जो फसल थी वो स्वाभाविक फसल नहीं थी, धान की फसल की यहाँ कोई औकात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ के किसानों को, उस वक्त के कृषि वैज्ञानिकों और सरकारों ने हरित क्रांति के नाम पर धान की खेती की भट्टी में झोंक दिया। ऊपर से धान को प्रमोट करने के लिए इस भट्टी में MSP पर खरीद का पूरा भरपूर घी डाला गया। यहाँ हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम MSP के पुरजोर समर्थक हैं, किसानों को उनकी फसलों का दाम मिलना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से बाकी फसलों की उपेक्षा करके धान को ज़्यादा तवज्जो दी गई वो बेहद खतरनाक कदम था। उसका खामियाजा आज पंजाब के लोग जल संकट और पराली संकट के रूप में भुगत रहे हैं। अब किसानों पर कोर्ट जो सख्त टिप्पणी कर रहा है उसके लिए किसान जिम्मेदार हैं या सरकार, इसे आप खुद तय करिए। अदालत ने यहाँ तक कह दिया कि जो कोई भी खेत में आग लगाता है उसे परिणाम भुगतना होगा, आप उसकी संपत्ति 1 साल के लिए कुर्क कर सकते हैं। सवाल यह है कि ऐसी नौबत राज्य सरकार ने क्यों आने दी? इसके लिए किसान दोषी हैं या वो सरकारें? पंजाब में धान के सामने दलहन, तिलहन, गन्ना, कॉटन और मक्का की औकात बिल्कुल खत्म कर दी गई। जब सरकारों ने ऐसी पॉलिसी अपनाई तो अपनी आजीविका चलाने के लिए किसान आखिर क्या करता? जिस फसल की खरीद तय थी वो उसकी खेती को बढ़ाता चला गया। नतीजा यह हुआ कि 1980 आते आते धान की खेती का कुल रकबा 70% तक पहुंच गया और 1990 में यह 27% और 2020 में 40% से ऊपर पहुंच गया। ऐसी ही नीतियाँ पंजाब में पराली समस्या की जड़ बन गई। दरअसल पराली 60 साल से पैदा की गई नीतिगत बीमारी है जिसके लिए किसान किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकता। अब पंजाब के किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि वो खलनायक बन गए हैं, जबकि अगर वो मेहनत न करते तो शायद AC कमरों में बैठकर किसानों के खिलाफ बकवास करने वाले लोग आज कटोरा लेकर कहीं खड़े होते। पंजाब से ही अलग होकर हरियाणा बना है
हरियाणा को पंजाब का छोटा भाई बताया जाता है। छोटे भाई ने धान से बढ़ते जल संकट और पराली समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन बड़ा भाई पंजाब आज समाधान खोजने की बजाय किसानों के नाम पर सिर्फ सियासी रोटी सेक रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, जबकि हरियाणा ने इसका समाधान दे दिया है। हरियाणा ने एक पॉलिसी फ्रेम किया, उस पॉलिसी पे अमल किया, जिसमें धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया गया। और कोई किसान अगर धान की बुआई लगातार कर रहा था, किसी खेती में रुपाई कर रहा था और वो खाली भी खेत छोड़ता है तो भी उसे 7,000 रुपये सरकार देती है। और किसानों को पुचकार के राजी करने की जो ये पॉलिसी थी, ये सफल भी हुई। 2020 में करीब 42,000 किसानों ने करीब 64,000 एकड़ में धान की खेती छोड़ दी, जबकि इस साल यानी 2023 में 31 जुलाई तक का जो डेटा आया उसमें 32,000 किसानों ने 70,000 एकड़ में धान की खेती छोड़ दी है। पंजाब सरकार को इस तरह का कोई प्लान लाने की ज़रूरत है, जबकि वो इस मामले में हाथ पे हाथ धरे बैठी है। सुप्रीम कोर्ट में वो ये हलफनामा तो दे रही है MSP ख़त्म करने की, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है कि किसानों को पुचकार के और उनको उनका जो धान की खेती छोड़ने के बाद जो लॉस होगा उसको कंपनसेट करके हरियाणा की तरह कोई काम किया जाए। और किसान निश्चित तौर पे अगर इस मॉडल पे अपनाया जाए, इस मॉडल की काफ़ी तारीफ़ हुई है, दूसरे राज्यों ने भी इसकी तारीफ़ की है, तो वो मॉडल कहीं ना कहीं एक सफल मॉडल है कि आप किसान से अगर धान की खेती छुड़वा रहे हैं, जैसे पंजाब में पूसा 44 जो वैरायटी थी जो 155 दिन में तैयार होती है, सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी है, लेकिन काफ़ी उपज देती है धान की, उसको बैन किया गया है। लेकिन इस तरह की आप हिटलर शाही करके बैन करेंगे, उसकी बजाय आप ये कहिए कि पूसा 44 की जो खेती छोड़ेंगे उनको हम क्या कंपनसेट कर सकते हैं, हम उनकी उनका फसल बीमा फ्री कर सकते हैं या उनको दूसरी किस्मों का बीज फ्री दे सकते हैं। इस तरह के समाधान की बजाय आप सिर्फ उनके ऊपर डंडा मार के कहेंगे कि धान की खेती बंद कर दीजिए, तो 60 साल में जिन्होंने धान की खेती पे जोर दिया उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये भी देखने की बात है। तो इस पूरे पराली की जो जड़ है उसमें मेरे कहने का मतलब यही है कि जो 5% भी खेती नहीं थी हरित क्रांति से पहले यहाँ पे, और ये स्वाभाविक खेती नहीं थी, यहाँ की मूल फसल धान नहीं थी, उसके बावजूद यहाँ पर धान थोपा गया और खाद्य सुरक्षा के लिए थोपा गया हरियाणा और पंजाब में, तो किसानों को तो इसका कम से कम गुनाहगार न ठहराया जाए तो ज़्यादा हम किसानों के साथ न्याय कर पाएंगे। और उनको इस पूरे दलदल से, जो धान की खेती का जो दलदल है उससे निकालने के लिए हमें या तो हरियाणा की तरह कोई प्लान सोचना पड़ेगा या फिर कोई और ऐसा प्लान लेके आना पड़ेगा जिसमें धान की खेती छोड़ने पर किसानों को कम से कम नुकसान न हो। इस तरह की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।